ये और ऐसा, पच्चीस, इस हाँ साइज का पान हाँ 25 रुपये, 20 रुपये 25 पैसा होता बीस है। पच्चीस रुपये सौ हाँ के हिसाब से भी, तो मतलब सौ हाँ के पान की कीमत हो गई 25 रुपये, 25 रुपये तो हो गए। लगभग 25 पैसे का पड़ता है। हाँ और इस ये साइज का पचास साठ पान पैसे का पान। आपको 60 पैसे या हाँ 50 पैसे के हाँ पास में पड़ता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टार में। दोस्तों आज हम एक ऐसे एग्रीकल्चर स्टार से मिलेंगे जो कि पान की खेती करते हैं, और पान की खेती के बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पान की खेती की जाती है और किस तरीके से इसको मार्केट में बेचा जाता है, और क्या है इसकी प्रोसेस, क्या है इसकी खेती करने की प्रोसेस क्या होती है। तो इसी के बारे में आज हम हमारे एग्रीकल्चर स्टार से जानेंगे। आइए मिलते हैं हम उनसे। सर सबसे पहले तो आप हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि पान की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, उनको आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है संजय कुमरावत, ग्राम रुस्तमपुर, तहसील पंधाना, जिला खंडवा। करीबन 25 साल से ऊपर हो गए पान की खेती करते करते। बताइए कि आपका जो ये पान लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है और इसमें कितनी क्यारियां हैं? ये करीबन 20 डिसमिल में है। हाँ 20 डिसमिल में और 30 25 पाली है अपनी। और 25 लाइनें ऐसी है, हाँ और ऐसी इसकी लंबाई क्या होगी इस पाली की आप जो बता रहे ये हैं? करीबन 200 फीट के आसपास है, 150 फीट। 150 फीट है। हाँ तो ये 150 फीट में लगभग कितने पौधे हैं? ये तो 300 325 के आसपास है। 300 325 बेले हाँ लगी हुई एक है, लाइन में। एक लाइन में 300 325 बेले लगी हुई है। हाँ थोड़ा हमें इसकी बुवाई के बारे में बताइए कि इसकी बुवाई कैसे होती है और कब इसकी बुवाई की जाती है? इसकी बोनी करीबन अभी 1 महीने बाद चालू होगी, होली के टाइम पे। इसको पूरी बेल को साफ करना पड़ेगी, नीचे आड़ी रख के फिर पाली खोदना पड़ेगी, फिर पानी डाल के फिर इसमें कीचड़ करना पड़ेगा, फिर इसे बेल को ऐसी दबाना पड़ेगी आड़ी। उस तरीके से इसकी फिर बुवाई होती हाँ है। फिर 2 महीने बाद फिर और नई बेल चालू हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे कि एक बार एक बेल ख़त्म हो जाती है, हाँ उसके बाद कितने टाइम तक चलती है एक बेल? ये तो साल भर चलती है। ये साल भर चलेगी, हाँ और साल भर के बाद फिर से आपको नई बेल लगाना हाँ पड़ती है। तो अपने अपने ऊपर जब तक हो जब तक नहीं तो बोनी करते जाओ। टाइम आया और पान पान कैसे चालू है गर्मी के बाद में, दिवाली टाइम में आया फिर उसकी पान तोड़ाई चालू हो जाएगी। फिर तोड़ाई चालू हो जाएगी। उसको पान तोड़ाई हुई साफ करो, फिर ऐसी बेल आड़ी करके ना फिर उसको बोनी करो। की बुवाई की क्या प्रोसेस है ये थोड़ा हम जानकारी लेंगे। इसकी बुआई अभी 1 महीने बाद चालू होगी। जी, जैसे ये अब पाली है, जैसे ये पाली को खोदना पड़ेगा कुदाली से। कुदाली से पहले हाँ फिर इसको इसको खाद डालना, गोबर की जैविक खाद, फिर जैविक खाद ही डालेगा, पानी डाल के फिर कीचड़ करके फिर इसको ऐसे ही बोना पड़ती है, एक के पीछे एक मतलब ऐसी। ये जो बेले हैं इनको ऐसा हाँ आड़ा करके इनको हाँ बोआ जाता ऐसे है। पान साफ हो जाता, फिर काम चालू हो जाता उसका। हाँ जी, और फिर इसी इसी बेल से हाँ ऊपर चलने लग और जाती यही है। बेल ऊपर जाएगी ऐसी लकड़ी से बांध के ऊपर जी, चली जाएगी ठेठ मंडप तक। लकड़ी के साथ बांध के ये हाँ ऊपर तक, जैसे कि ये ऊपर तक चली जाती है। हाँ तो इसका जैसे कि एक बार बीज लगा दिया तो उसी से बार बार हम हाँ उसी बेल को हाँ आड़ा करके उसको नीचे ज़मीन में हाँ यही जगह पे कम से कम 10 साल पान की खेती हो सकती है यही जगह पे। हाँ एक ही जगह पे कम से कम 10 साल तक हम पान की खेती कर सकते हैं, और एक ही बेल से कर सकते हैं। हाँ एक ही जैसे बेल। एक बेल लगा दी हाँ तो एक ही बेल से हम कर सकते यही हैं। ऊपर गई कि ये फिर और नीचे आ जाएगी, पान साफ हुआ पूरा जी बगीचा, फिर जी और इससे डबल से बोनी कर दो होली के टाइम में। जी 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 फिर हाँ उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है फिर उसके इसको बाद आप? में उसमें साफ करके मिट्टी डालो, फिर ऐसे हाँ लकड़ी गाड़ना पड़ती है, लकड़ी के साथ में फिर एक जो घास आता बारीक उससे बांधना पड़ती है, तब बेल ऊपर जाती है। फिर जी लकड़ी गाड़ के यहाँ भी बांधना पड़ता है बीच में भी, जैसे ऊपर बेल को बांधते बांधते मंडप तक चली जाती है। जैसी यहाँ से बेल हुई कि हमें हर, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाँ कि हर बेल के साथ हाँ ऐसी लकड़ी लगती लकड़ियाँ है। बंधी हुई हैं, तो इन लकड़ियों के सहारे ही पान की बेल ऊपर जाती है, हाँ पूरी मंडप तक पहुंच जाती है। पूरे ऊपर के मंडप तक जाती है। और आप देख रहे होंगे कि दोस्त बहुत ही मेहनत का काम है ये, बहुत ही मेहनत की हुई है, हर बेल के साथ ऐसी लकड़ियाँ बांधी गई है। पहले तो आप देख रहे हैं कि बम्बू बांधे गए हैं, और अपने दूसरी खेती से डबल दो मतलब आप जो सोच रहे हैं पान की खेती का लगाने के बारे में, तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है।
आप देख रहे हैं हर हर बेल के साथ लकड़ियां बांधी हुई है और इन लकड़ियों के साथ ही बेल ऊपर गई है। जैसे बुवाई के बारे में अभी ये जाना है कि इसकी बुवाई हम क्यारी बनाकर कीचड़ करके इसको एक ही बेल को आड़ा करके उसी से पान ले सकते हैं, तो हमने बुवाई तो कर दी, लेकिन इसमें जब हम खाद देने की बारी आती है तो कितने टाइम के बाद हमें खाद देना पड़ता है और कौन कौन सा खाद इसमें लगता है? इसमें जैसे बोने के बाद गोबर की खाद डालना पड़ती है 5 कुंटल 6 कुंटल जैसे भी डल जाए 10 कुंटल, और फिर मिट्टी डालते गर्मी में, मिट्टी की भी आवश्यकता होती है मिट्टी की, और अपने जो फल्ली की खल्ली आती है और अरंडी की खल्ली, अरंडी की खल्ली, और दो खल्ली चलती है जी, मतलब पूर्ण रूप से जैविक ही होता है, रासायनिक का इसमें प्रयोग नहीं होता जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो पान है बहुत ही बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं और पान प्योर जैविक ही है, इसमें रासायनिक खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें ये अपनी गोबर की खाद और जो इसमें मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, हमें इसमें मिट्टी भी डालनी पड़ती है, इसमें दो बार मिट्टी भी डालना पड़ेगा, और अगर आपके पास केचुआ खाद हो तो वो भी इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें थोड़ा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा ये पान की फसल है इस पर कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और किस टाइम में हमारी जो पान की फसल है वो निकलना कम हो जाती है? सफेद मच्छर होते हैं ज़्यादा और लल्हेरा टाइप हो जाता है और ऐसे खराब भी हो जाते, सड़न लग जाती है, सड़न लग जाती है, सड़ रही है ऐसे इस तरीके से जो पान खराब हो जाते हैं जी, ये आप देख रहे हैं। और ज़्यादा ठंड गिरेगी तो पान पक भी जाएगा, हरा का हरा पान पकता, बहुत हरा का हरा पान गिर जाता है नीचे, खराब हो जाता पानी है। बारिश में पान तो नहीं के बराबर निकलता, कुछ भी निकलता, निकलता है तो उसका बाजार भी रहता है, तो आप यही साफ करके नीचे नीचे 2 फीट 1.5 फीट तक का साफ करना पड़ता है और बाहर फेंकना पड़ता है कचरा सब साफ करके। मतलब बारिश के टाइम में आप पान की फसल बहुत कम निकलती है? हाँ, लगभग खर्चा भी नहीं निकलता नहीं है, बारिश निकलता का जो मैनेजमेंट रहता है उसमें नहीं निकलता उसमें जी। जो पान का बगीचा लगा हुआ है इसमें कितने रंग के पान आपके यहाँ हैं और कौन कौन सी वेराइटी के पान आपके यहाँ लगाए गए हैं? हाँ, इसमें 3 वैरायटी के पान है जी, एक देसी बंगला है, देसी बंगला, हाँ, और एक डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट बंगला हाँ, जिसको बोलते हैं हाँ, वो, और एक देसावरी पान है, ये पान है देसावरी पान, ये देसावरी दिल्ली साइड बिकता है, कानपुर साइड, दिल्ली कानपुर साइड ये वाला चलता है हाँ। और हमारा जो बंगला है ये कौन सा? सतना में बिकता, बंगला सतना, ये पान सतना था, सतना रीवा तरफ बंगले की मांग ज्यादा होती है। और कौन सा वेरायटी का है? एक डुप्लीकेट बंगला जो ये पीली पीली बेल है वो जी, ये इसको डुप्लीकेट पान बोलते हैं, कलकत्ती पान है, ये कलकत्ती पान है। तो लगभग आपके यहाँ तीन वैरायटी के पान है जी। सर आप हमें थोड़ा ये बताइए कि जैसे कोई नया किसान अगर पान की खेती करना चाहे, मान लो कोई नया किसान है और सोच रहा है कि मुझे पान का बगीचा लगाना है, तो उसमें लगभग खर्चा कितना आ जाएगा, एक तो ये भी बताइए, और कितने टाइम में हमारा जो पान निकलना चालू हो जाता है? 20 डिसमिल में लगाने का खर्चा करीबन 1.5-1 के आसपास आ जाता है, 1-1.5 लाख के आसपास। जैसे गन्ने की बांडी रहती है, बांस, लकड़ी, इसमें कम खर्चा आता है और पाली हंस में ज़्यादा आ जाता खर्चा। अच्छा, तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि जैसा आप देख रहे हैं इस पे नेट डली हुई है, घास फूस डली हुई है, तो ये बिल्कुल देसी तरीके का पाली हाउस हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसकी खेती नेट हाउस में करना चाहते हैं तो उसमें तो आपको खर्चा ज़्यादा आएगा ही, और ये जो हमारा बांस और जो नेट है, घास फूस है, इधर भी घास फूस लगाई गई है, इधर की बाउंड्रियों में भी घास फूस लगाई है, तो आप बिल्कुल देसी तरीका का आप इसको पॉली हाउस बोल सकते हैं। जब पॉली हाउस नहीं थे तब से ये पान की खेती इसी में कर रहे हैं, जब पॉली हाउस का जमाना नहीं था तब से लगभग पान की खेती ऐसी हो रही है और बांस लकड़ी से ही हो रही है, तो आप इसको देसी तरीके का पॉली हाउस ही बोल सकते हैं। तो आप अगर इसे देसी तरीके से बनाना चाहते हैं, घास फूस और बांस लकड़ी इससे बनाना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 1 लाख में आपका हो जाएगा 20 डिसमिल में। हाँ, आराम से जी। और इसकी बोनी भी कि 3-4 महीने के आसपास इन्हें पान चालू हो जाएगा, नया पान जी, बोनी के 3-4 महीने बाद पान चालू हो जाता है। 4 महीने बाद अब हम जान लेते हैं कि पान की प्रोसेस क्या होती है, उसको किस तरीके से हम मार्केट में ले जाएंगे और उसका मार्केट रेट क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये जो बंगला पान है, ये देसी पान बंगला जी, ये इसको 100 गड्डी जमाना पड़ता है और ये बिकता है 50-60-100 रुपये
50-60 रुपये 100 तक बिकता है इसमें पान। जी जैसे छोटा पान है जी, ये भी बिक जाएगा 20-25 रुपये 100। मतलब इसको पहले 100-100 पान की गड्डियाँ बनानी पड़ती है। हाँ, और इसकी दोनों की, दोनों की 100-100 पान की गड्डियाँ बनानी पड़ती है, और फिर दाग लगता उसका, फिर उसको बिल्कुल एकदम इसे जमा के ले जाना पड़ता है जी। एक गट्ठे में कम से कम 20,000 पान लगता, छोटा बड़ा। तो जो आप तब गट्ठा बनता 60 किलो 70 किलो का, जो 60-70 किलो का जो इसका वो रहता है, आप बकेट बनाते हैं। हाँ, डाग डाग बनाते हैं। हाँ, तो डाग में कितने पान आ जाते हैं? 20,000 पान आते हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े कुल मिला के 20,000 पान। हाँ, आ जाते हैं। तो आपकी एक डाग लगभग कितने में पड़ जाती है आपको? वो तो भाव के ऊपर है, अच्छा भाव मिलेगा तो 10,000 की हो जाएगी जी, नहीं तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार की ऐसे बैठती है, और क्या जी। और 1,000-1,200 रुपये खर्चा लगता सतना जाने में भी जी। आपका जो पान आप निकालते हैं, तो आप इसको बेचने कहाँ, कौन कौन सी मंडियों में जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पान बिकता है? ये पान तो अपना सतना में भी जाता है, देसी बंगला, और देसावरी उधर बिकता है, लखनऊ कानपुर साइड देसी। मतलब वह वेराइटी के हिसाब से बिकता। हाँ, है जो हमारा देसी बंगला है वो सतना में, सतना में बिकता है। हाँ, और और देसावरी पान ये दिल्ली लखनऊ कानपुर तरफ बिकता जो है। देसावरी पान होता है वो दिल्ली लखनऊ और कानपुर, कानपुर की साइड में बिकता है। हाँ, बहुत दूर जाना पड़ता है उसको जी। सर, लगभग हमारे साल भर में की बात हम करें कि जो हमारा एक साल, साल भर में हम कितना पान ले सकते हैं इस 20 डिसमिल के, आपका जो पान का बगीचा है इसमें से कितने डाक पान आप निकाल लेते हैं? इसमें करीब अभी इस बार हल्का पान है तो करीब 6-7 डाक पान निकलेगा, नहीं तो अच्छा रहता है तो कम से कम 10 डाक के ऊपर चले जाता है, 12-15 डाक जी। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी हमारी पान की खेती के बारे में, और मैं आपको यह बता दूं कि आप जितना पान की खेती को आसान समझते हैं उतना पान की खेती है नहीं, इसमें बहुत ही मेहनत का काम होता है, और जिस हिसाब से इसमें मेहनत लगती है उस हिसाब से लगभग आपको उतना इसमें प्रॉफिट नहीं है। और आप अगर जब भी पान की खेती लगाना चाहें तो आप पहले उसके बारे में पूरा सर्च कर लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही पान की खेती में पड़िएगा। और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे आज के एग्रीकल्चर स्टार, हमारे किसान से, कि जिन्होंने हमें पान की खेती के बारे में जानकारी दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ और नए किसान के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।